दोस्तों गुड मॉर्निंग, आज हो चुका है 11 अक्टूबर 2019 और देश के अलग अलग राज्यों से आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चले चलते हैं आज की पहली अपडेट की तरफ। आंगनबाड़ी सेविकाओं की हड़ताल समाप्त और ये अपडेट निकल कर आ रही है झारखंड के गढ़वा से। विभिन्न मांगों को लेकर विगत 16 अगस्त से जारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की हड़ताल समाप्त हो गई है। इस संबंध में झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन के पदाधिकारी ने विभागीय सचिव एवं सभी जिलों के उपायुक्तों को आवेदन देकर इसकी जानकारी दी है। यूनियन के प्रदेश संयोजक रामचंद्र पासवान, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा दिए गए आवेदन में लिखा गया है कि विभागीय मंत्री लुईस मरांडी से मिले मौखिक आश्वासन पर हड़ताल समाप्त की गई है। मंत्री ने चयन मुक्त सेविका सहायिकाओं को वापस कार्य पर रखने, सेविका सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी करने तथा 11 अक्टूबर को मंत्री के साथ वार्ता कर समस्याओं का समाधान करने के आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया है। यूनियन द्वारा इसे संबंधित पत्र की प्रतिलिपि सभी जिले के उपायुक्तों को भी प्रेषित किया गया है। इस संबंध में यूनियन के पदाधिकारियों ने लिखा है कि विभागीय सचिव ने सेविका सहायिका की समस्याओं पर अविलंब विचार करने का आश्वासन दिया है। यूनियन का प्रतिनिधि मंडल मंत्री के साथ वार्ता करेगा, इसमें विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने सभी सेविका एवं सहायिका को कार्य पर वापस आने का आह्वान किया है। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नई दिल्ली से। 10 लाख आशा वर्करों के लिए खुशखबरी, मानदेय हुआ दोगुना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आशा कार्यकर्ताओं का महीने का मानदेय दोगुना करने का फैसला किया है। पहले यह मानदेय राशि 1000 रूपए प्रति माह थी, अब 2000 रूपए हो जाएगी। इसका ऐलान सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया है। मानदेय को 1000 रूपए से बढ़ाकर 2000 रूपए प्रति माह करने का फायदा देश भर में लगभग 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को होगा। आशा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जिन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और समुदाय के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। उन्हें सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एक हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को उनके मासिक मानदेय में बढ़ोतरी के अलावा अन्य लाभ प्रदान करने का भी फैसला किया है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत इस साल देश में 40,000 वेलनेस सेंटर भी खोलेगी। तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है देश की आशा बहनों को लेकर। आशा बहनों के मानदेय को दोगुना कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पहले इनका मानदेय 1000 रूपए था, जिसको बढ़ाकर अब 2000 रूपए कर दिया गया है। और दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए आपको मोदी सरकार का ये फैसला कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइए। चलिए चलते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान ने केंद्र सरकार से मांगा 2000 अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए फंड। पोषण अभियान के अंतर्गत भारत की पोषण चुनौतियों पर गुरुवार को राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राजस्थान की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने हिस्सा लिया। बैठक में राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव के पाठक भी मौजूद थे। बैठक में मंत्री ममता भूपेश ने राजस्थान सरकार की ओर से केंद्र सरकार से 2000 अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है। राजस्थान में दूर दराज के इलाकों में बच्चों, माताओं और किशोरियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का स्थापित किए जाने की मांग की। भूपेश ने बैठक में केंद्र सरकार से मांग की कि किराए के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के नए भवन बनाने के लिए वित्तीय सहायता तथा स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि इन आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक तौर तरीके से अपने भवनों में संचालित किया जा सके। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जाने वाले पोषाहार को और अधिक पोषक और बच्चों और किशोरियों माताओं की जरूरत के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों के आधुनिकीकरण किया जा रहा है। राज्य सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर 21,430 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोस मशीन रखवाई जाएगी, ताकि पोषाहार वितरण तथा बच्चों की उपस्थिति के संबंध में व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जा सके। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है बिहार के औरंगाबाद से। मैट्रिक के फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल सेविका का चयन रद्द। कुटुम्बा प्रखंड के महाराजगंज पंचायत के हनिया गांव निवासी सेविका ममता कुमारी का चयन को निगरानी विभाग ने रद्द कर दिया है। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 230 पर ममता को चयनित किया गया था। चयन के बाद हनिया गांव की ममता कुमारी पति चंदन ठाकुर ने परिवाद पत्र दायर कर चयन को चुनौती दी थी। पर डीएम के पत्र 4122 में पारित आदेश के आलोक में उक्त सेविका का चयन रद्द किया गया है। इस आशय का पत्र जिला प्रोग्राम अधिकारी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कुटुम्बा को प्रेषित किया है। पत्र में कहा गया है कि ममता कुमारी पति रमेश साहब को अब तक प्राप्त मानदेय की राशि वसूली। कई ममता कुमारी स्तर पर की गई जालसाजी के मद्देनजर उनके विरुद्ध स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। कहा गया कि सेविका चयन हेतु मेधा सूची अब तक बरकरार है, जिसकी वैधता 1 वर्ष की है। इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र हनिया में सेविका पद पर चयन
हेतु बहुलता वाले वर्ग से मेधा सूची के सर्वोच्च मेधा अंक वाले अभ्यर्थी का चयन आंगनबाड़ी सेविका पद पर आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों आज मैंने आपको दी आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।